लो जी, श्रोतों की भारी मांग पर मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। पहले मैंने एक दिन बनाया था, प्रॉपर सिखा नहीं पाया था, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले ये बहुत टेस्टी बनता है, मज़ा ही आ गया था, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। मैंने अपनी लाइफ में नहीं कभी खाया ऐसा फ्रेंच टोस्ट। पहले मैंने इसका नाम रखा है कैली अंडा टोस्ट, सॉरी टोस्ट भी साथ कहना चाहिए था, मेरे मुंह में कुछ था, मैं गल्प कर रहा था। सो कैली अंडा टोस्ट आज इतना अच्छा मैं आपको बना के दिखाऊंगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप जब भी उठें सुबह बनाएं, बड़ा मजा आएगा आपको। हम शुरू करते हैं बनाना रेसिपी कैली अंडा टोस्ट। तो कैली का अंडा बनाने के लिए, नहीं कैली का अंडा नहीं, मतलब कैली अंडा टोस्ट बनाने के लिए आपको दो अंडे लगेंगे। इनको आपने भन के इसमें सीट देना है। खुली प्लेट में भी अंडा भनने का बखरा ही स्वाद है। ये नाक लग रहा है और ये स्माइली लग रही है। ओहो माई गॉड, आँख इधर को, ये महाराज अब लग रही है काली, देखो। ओहो नाक कहाँ गई, माई गॉड ये नाक आ गई। यस, और कुकर का आधा चमचा आप इसमें नाक की सीत में सीट दें। और इसके बाद हम डालेंगे, ये अगर आपके घर में नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, ये हमें ही इसको क्या बोलते हैं, सिनेमन, या सिनेमन है ये भी। आप इसको भी आपने एक चुटकी सी मासा सा डालना है, मतलब ये मैं क्लोले करने हट नहीं रहा हूँ, ये तो मुझे बढ़ गई है। और मासा सा इसमें दूध डाल दें, ये देखो बहुत थोड़ा सा हमने इसमें दूध डाला है और अब ये पूरा गुंगदोड़ा हो गया है। हाँ, हमने इसको मिक्स कर लिया है। अगर आपका मिक्स अच्छी तरीके से नहीं होता है तो आप आई नीड माई स्पून ले लें, मेरे हाथ में ये था तो मैं इसी में ही कर रहा हूँ। अगर आपकी डिश कहीं भी ख़राब हो जाती है तो आपने डोंडी नहीं पीटनी है कि हमारी डिश खराब हो गई, हमारी डिश खराब हो गई है, क्योंकि ये अंडा है और अंडे का कभी भी फंडा बन सकता है, आपको पता है। हम कभी भी इसका आमलेट बना लेंगे, लेकिन आप टेंशन मत लें, आज आमलेट नहीं बनेगा, आज बहुत ही अच्छी डिश बनने वाली है, आप देखते जाएं। बहुत बारी आती है मखना, सॉरी बटर, बटर मखन होता है कि मखन बटर होता है, ये भी आप जरूर हमें बताएं। के बाद चुल्लू से इसको चारों तरफ घुमाते हुए आपने पूरा घेरे घेरे में इसको कवर कर लेना है। आपने अपनी ब्रेड को चकना है और इसमें ऐसे ऐसे कर लेना है, थोड़ी सी ब्रेड के कुतकुतरिया करनी है नहीं, ये मैं ड्रामा कर रहा हूँ। आपने इसको ना दोनों तरफ से पूरा लबेड़ लेना है, ये देखो लिपट रही है पूरी। मुझे लगता है दो अंडे दो जन के लिए पर्याप्त है, एक जन के लिए एक अंडा पर्याप्त होगा। सो ये आपने ऐसे इसको काटा कर लेना है। बाद आपने ये चुरलू लेना है, इस चुरलू का मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन ये ऐसे होता है चुरलू। ये दोनों चीज़ें जब काटी होती हैं तो चीज चाकी जाती है। ओ माय गॉड, थोड़ा ध्यान रखना है, आपकी ब्रेड पोली हो सकती है। ओ माय गॉड, अब मैं थोड़ा बंद करके चखूंगा। जी फाइनली हमने इसको इधर ट्रांसफर कर लिया है, बड़ा ही भारी सौदा था, मेरी तो सांस फूल गई है इसको चाकते चाकते। अब मैं इसको चाक के उतले पास रख लूंगा। गाइस मेरे एक हाथ में फूल है, कहीं मेरी ब्रेड ना टूट जाए, मैं आपको चख के दूजी फिर वीडियो बनाता हूँ। प्यार और टेस्ट से बनती है, और प्यार टेस्ट के सामने हेल्थ कॉन्शियस जो है वो टिकती नहीं है, वो भाग जाती है। लुक एट दिस ब्यूटी, आई नीड माई कांटाशुरी राइट नाउ। वाओ, मेरे कहने पे एक बार अपनी डाइट को साइड पे रख के इसका स्वाद चख के देखें। ये इतनी भी ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ख़राब चीज़ है, ये कोई समोसा और पकौड़ा नहीं है, ये जस्ट एक मात्र छोटी सी टुकड़ी हमने इसमें डाली है अपनी बटर की, और उसके ऊपर ये सीट दिया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सारा ऑयल फ्री है और शुगर फ्री है। लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट दिस ब्यूटी, और जो फ्रेग्रेंस आ रही है ना, ऑफ द ईयर आ रही है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। गाइज आप बनाएं, इंजॉय करें, अपने टीट में डालें इसको और अश अश कर उठेंगे आप। ओके गाइज, ओवर एंड आउट, आपके सामने है कैली अंडा टोस्ट।